लेकिन उदासीनता है कटिहार जिले और बिहार की कि सभी चीज होने के बाद जो फार्मिंग करते हैं उसको क्या मिलता है, 200 रुपया 100 रुपया किलो, वही मखाना जो है डॉलर में जाता है। तो इतना बड़ा रोजगार वाटर इंडस्ट्री खड़ा अगर चालू हो जाएगा तो नॉर्थ बिहार को क्या क्या मिल सकता है, आप खरबों रुपया का बिजनेस ले सकते हैं यहाँ पे। मेरा नाम राजशेखर हुआ, आज हम मनिहारी घाट में खड़े हैं और जिस जहाज पे खड़े हैं इसका नाम है गोपीनाथ और ये भारत सरकार की जहाज है। मैं एक युवा उद्यमी हूँ जो बिहार में एक नया बिजनेस का शुरुआत करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरा सफर शुरू होता है बिहार के लिए, मुझे कुछ करना था, मुझे जो है मेरा एक ड्रीम था कि मैं जब आऊँ तो मैं मुझसे मिलने के लिए जिंदल हो अदानी हो वो मेरे गांव आए। और समय के साथ मैंने ऐसा किया, मैं 2020 में जिंदल कंपनी की सिस्टर कंसर्न कंपनी मोनेट ग्रुप के डायरेक्टर है मिस्टर निकुंज जजोरिया जो नवीन जिंदल के भांजे भी है, उनसे जो है मेरी एक कंपनी फॉर्म हुई CCDPL शेखर प्राइवेट लिमिटेड जो वाटरवेज में काम करना चाह रही थी बिहार के अंदर। तो उनको भी लेके आए, अदानी को भी लेकर के बिहार में आए। लेकिन उदासीनता है कटिहार जिले और बिहार की कि सभी चीज होने के बाद जो पोटेंशियल है मनिहारी में और नॉर्थ बिहार जहाँ पे हम लोग सीमांचल के रहने वाले हैं और सीमांचल में जितने भी मटेरियल जैसे कि साहेबगंज से जो है पर डे 4-5 लाख टन एग्रीगेट जो है मनिहारी आता है और गुलाबबाग मंडी से 25,000 टन पर डे मेज जिसे हम लोग मक्का बोलते हैं और मक्का बिहार में जो है सबसे ज्यादा फार्मिंग किया जाता है और वो मक्का जो है गुलाबबाग मंडी से भाया कलकत्ता होते हुए बांग्लादेश जाती है। तो अभी जो है सभी चीज बाय रोड हो रहा है या बाय ट्रेन हो रहा है, तो रोड पे लोड है जिसके कारण से एनवायरमेंट में काफी अभी जो है पॉल्यूशन भी आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं कम करना तो वो कैसे हो सकता है, वो वाटरवेज के थ्रू हो सकता है। दूसरी बात है कि हम लोग बोलते रहते हैं, हमारी सरकार बोलती है कि हम लोग लैंड लॉक स्टेट हैं, हमारे पास पोर्ट नहीं है। जी नहीं, ये गलत है, हमारे पास गंगा है, NW1 है, हम लैंड लॉक स्टेट नहीं हो सकते हैं। ऐसे आप बोलेंगे तो राजस्थान हरियाणा पंजाब भी लैंड लॉक स्टेट है लेकिन बिहार से तो काफी डेवलप है। वो जो मेरा सपना था कि वाटरवेज को ऑन करके वाटरवेज के थ्रू यहाँ पे जो है अभी माननीय प्रधानमंत्री जो है काफी वाटरवेज में इनिशिएटिव ले रहे हैं, उनका एक विजन है जिसके तहत यहाँ पे हम लोग टर्मिनल डेवलप किए हैं मनिहारी में जिस पर हम लोग अभी खड़ा है, ये जहाज जो है IWAI की है। तो विजन के तहत जो है 200 मिलियन टन वाटरवेज के थ्रू हम लोग को करना है पूरे बिहार में, जिसमें सबसे एक नंबर में अगर हम बोले वो मनिहारी आएगा। अब मनिहारी से जो है हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसमें मिनरल एग्रीगेट उसके बाद एग्री कम्युनिटी और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आ रहा है कि एक साल से किसी ना किसी बहाने जबकि सरकार के पास टोटल लॉ IWAI के पास है उसके बावजूद मुझे इतना परेशान होना पड़ रहा है। एक छोटा सा गांव में मैं पैदा हुआ और जहां गंगा बहती है शुरू से यहां कटाव रहा है, यहां के लोग काफी जो है कम है, गरीबी है जिसके कारण सोचा कि युवाओं को बहुत कुछ दिया जा सकता है। आज सावन के आखिरी महीना है और जो है 2 दिन बाद सोमवार है और इस 2 दिन में मनिहारी सिर्फ आस्था से कम जो है 2 करोड़ का मार्केटिंग जरूर करेगा क्योंकि जानते हैं यहाँ से जल उठा करके मुकरिया धाम जाता है श्रद्धालु जो कि ये भी 105 किलोमीटर होता है तो दूसरा देवघर बनता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक आस्था से यहाँ पे जो है गरीब को रोटी मिलता है। तो इतना बड़ा रोजगार वाटर इंडस्ट्री खड़ा अगर चालू हो जाएगा तो नॉर्थ बिहार को क्या क्या मिल सकता है। हाल में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं मेरी अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है माननीय चीफ सेक्रेटरी बिहार तो पॉजिटिव है बाकी, लेकिन यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये वाटरवेज इंडस्ट्री ओन हो, ये जहाज चले या ना चले, यहाँ रोजगार पैदा हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है। सही पूछें तो मैं तो चाहूंगा कि शुरू हो जाए लेकिन मुझे 10% भी अब नहीं है क्योंकि और आज देखिए सब जगह मेरा इन्वेस्टमेंट में पानी फिरा हुआ है, जो रोड बनाया जो टर्मिनल बनाया सब जगह तो पानी है। इस जहाज का भाड़ा दे रहा हूँ भारत सरकार को, टर्मिनल वो जो देख रहे हैं वो भारत सरकार की टर्मिनल है, यही लग जाता है ये टर्मिनल हो जाता है, इसका भारत सरकार मुझसे भाड़ा चार्जेस लेती है। ये जो जहाज चलती है पानी में इसका वाटरवेज पर किलोमीटर चार्जेस है वो मैं देता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। जो बिहार सरकार डिपेंड करती थी झारखंड पर कि जहाज मुझे जाना है तो झारखंड के ही रास्ते हो, तो मैंने एक नया रूट बनाया बिहार टू बिहार, डिपेंडेंसी खत्म कर दिया, एक नया रोजगार बिहार सरकार को मिल रहा था लेकिन नहीं। अब मालूम नहीं क्यों नहीं आज बिहार सरकार को बस एक फिक्स अमाउंट आ रहा है रेवेन्यू के मामले में जो मनिहारी बिटवीन साहेबगंज
फेरी सेवा चलती है। उसके अलावा तो बिहार झारखंड के बीच तो कुछ है नहीं, आप खरबों रुपये का बिजनेस ले सकते हैं यहाँ पे। मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि सर आज ये लैंड लॉक स्टेट नहीं है और अभी हम लोग हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नॉर्थ बिहार में मेज उगाने में सबसे भारत में सबसे नंबर वन अभी बिहार है। बांग्लादेश को सबसे ज्यादा मेज हम सप्लाई करते हैं, पूरे कंट्री में आज अगर बोलिए सप्लाई करते हैं मेज को। मखाना आज हमारा जो है बिहार से मखाना वर्ल्ड में जाता है, लेकिन वो जो मखाना फोड़ते हैं जो फार्मिंग करते हैं उसको क्या मिलता है? 200 रुपया 100 रुपया किलो, वही मखाना जो है डॉलर में जाता है। इतना बड़ा इंडस्ट्री है मखाना का। फिश का आ जाइए, आंध्रा के बाद जो है बिहार आता है, लेकिन आंध्रा से पहले आ सकता है बिहार। लेकिन कहीं ना कहीं स्किल यहाँ पे जो है फार्मिंग नहीं है, स्किल नहीं किया जा रहा है। 25,000 टन जो है पूर्णिया से पर डे एग्री कमोडिटी जिसमें मक्का गेहूं धान सब चीज होता है वो बाई ट्रेन और बाई ट्रक जाता है कलकत्ता। उसके बावजूद जो है 5 लाख टन पर डे साहेबगंज के एरिया से आता है पत्थर। 10 मिलियन टन पर ईयर बिहार को जो है इंपोर्टेड कोल आना है जो बाई रोड अभी तक जा रहा है या ट्रक से जा रहा है। उसके बावजूद जो है हम वाटरवेज का भारत सरकार को चाह रही है कि वाटरवेज से काम हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ये सब काम रुका हुआ है। और आगे क्योंकि कोई भी माध्यम होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो फिर जो है प्रपोजल को आगे बढ़ाएंगे तभी कुछ होगा। अभी तो इस चीज में भारत सरकार के से मिनिस्ट्री से भी जो है चेयरमैन हो गए, सेक्रेटरी हो गए, मिनिस्टर शिपिंग हो गए, वो भी प्रशु किए हुए हैं चीफ सेक्रेटरी बिहार को, लेकिन उसके बावजूद भी डिले होना। और फिर फ्लड के बाद जो है काम अभी स्टार्ट होगा, फ्लड जाएगा 2-3 महीना तो डेवलपमेंट के वर्क में लग जाना है क्योंकि 6 मंथ का यहाँ पे बिजनेस है।